बिल्डर पर अवैध निर्माण कार्य करने का आरोप लगाकर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाली महिला वकील और उसके साथी को जाल बिछाकर रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में कामठी निवासी नसरीन हैदरी और संजय शर्मा का समावेश है। जरीपटका निवासी रमेश आसुदानी उम्र 69 वर्ष की शिकायत पर ये मामला दर्ज किया गया था। रमेश बिल्डर है और टीवी टावर मानव सेवा नगर में उनकी 2 रिहायशी इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है। दोनों आरोपी आसुदानी के साइट पर पहुंचे, वहां मोबाइल से तस्वीरें ली, साइट पर ही मौजूद लोगों से आसुदानी के बेटे का नंबर हासिल किया। इसके बाद संजय ने आसुदानी को फोन किया, उन्हें कहा कि इमारतों में अवैध निर्माण कार्य किया गया है। महानगर पालिका के नगर रचना विभाग में पैनल में वकील नसरीन को इसकी शिकायत मिली है। आपके दस्तावेज भी अपूर्ण है कहकर नसरीन से मुलाकात करने को कहा। इसके बाद नसरीन ने आसुदानी को फोन किया और बिल्डिंग के संबंध में शिकायत मिलने की जानकारी दी। शिकायत का निपटारा करने के लिए संजय से बातचीत करने को कहा। इसके बाद संजय आसुदानी के जरीपटका स्थित कार्यालय में पहुंचा, मामला सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे और चला गया। इसके बाद लगातार आरोपी उन्हें फोन करके पैसों की मांग कर रहे थे। 26 मई को नसरीन ने उन्हें मिलने के लिए सदर के एक होटल में बुलाया। सारी बातचीत आसुदानी ने अपने फोन पर रिकॉर्ड कर ली। पार्टनर से बात करने का बहाना कर आसुदानी वहां से चले गए। फोन के रिकॉर्डिंग समेत आसुदानी ने डीसीपी मुमक्का सुदर्शन से इसकी शिकायत कर दी। मुमक्का ने एंटी एक्सटॉर्शन सेल को जांच के आदेश दिए। गुरुवार को संजय ने नसरीन से मिलने के लिए जायसवाल होटल में बुलाया। यहां आरोपियों ने आसुदानी से पहले किश्त के तौर पर 1 लाख रुपए लिए। जाल बिछाकर बैठे पुलिसकर्मियों ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ यशोधरा नगर थाने में फिरौती वसूलने का मामला दर्ज किया गया है। शुक्रवार को पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश कर पुलिस हिरासत की मांग करेगी। गुन्हे शाखातील खंडणी विभाग पथकाने एक सापळा रचून तक्रारदार 69 वर्षीय इसम आहे, जरीपटका विभागात राहणारे व्यवसायाने बिल्डर आहे। त्यांची एक सोसायटीचं काम सुरू होतं आणि त्या सोसायटीच्या कामामध्ये अनियमितता आहे, कागदपत्राची पूर्तता केलेली नाही कागदपत्रांची, त्याकरिता NMC येथे एक तक्रार दाखल झालेली आहे तुमच्या विरुद्ध। जी तक्रार जर मागे जर घ्यायची असेल तर तुम्हाला खंडणी म्हणजे पैसे द्यावे लागेल असे म्हणून एक महिला 34 वर्षीय आणि एक 53 वर्षीय इसम या दोघांनी खंडणी मागितलेली होती आणि ती खंडणीचा सापळा हा यशोधरा पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गतमध्ये उर्पी हॉटेलजवळ लावण्यात आलेला होता। त्या सापळा असताना 1 लाख रुपये 69 वर्षीय फिर्यादीकडून घेताना हे दोन्ही एक महिला आरोपी आणि एक पुरुष आरोपी यांना खंडणी विरोधी पथकाने ताब्यात घेतलं आणि पोलीस स्टेशन यशोधरा येथे गुन्हा त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला आहे। पुढील तपास पोलीस ठाणे यशोधरा यांच्याकडून सुरू आहे। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।